हूँ नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा भिवंडी शहर जिला सचिव बाल मुकुल शुक्ला द्वारा भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष व नगर सेवक संतोष शेट्टी का जन्मदिन केक काटकर बड़े धूमधाम से मनाया गया। बता दें भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी का पूरे शहर में भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा कई जगहों पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर जन्मदिन मनाया गया। इसी तरह सुभाष नगर गणेश सोसाइटी स्थित भाजपा भिवंडी शहर जिला सचिव बाल मुकुल शुक्ला ने अपने जनसंपर्क कार्यालय पर भिवंडी मनपा आरोग्य के सहयोग से मुफ्त कोरोना लसीकरण कैंप लगाकर व केक काटकर बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर आनंद शुक्ला गुरुजी, जिला सचिव बाल मुकुल शुक्ला, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा भिवंडी शहर जिला उपाध्यक्ष विपिन पांडे, मंगेश यादव, सागर शेट्टी, वेद प्रकाश सिंह, जवाहरलाल मिश्रा, उदयराज सिंह, कृष्णा मिश्रा, रामनारायण सोनी, अभिषेक शुक्ला, आदर्श शुक्ला, सुजीत गुप्ता, कृष्णा हलवाई, विजय पांडे, दीपक झा, शिवमुकुंद शुक्ला, वैष्णवी शुक्ला, देवांश शुक्ला, आशीष शुक्ला, अजीत ठाकुर, सुशील सोनी आदि महिला पूरी भारी संख्या में उपस्थित रहकर पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. खुशी मिलती है कि जो कि भिवंडी शहर में इतने दबंग और इतने जो है मेहनत से काम करने वाला आदमी हम लोगों को अध्यक्ष के रूप में मिला है और ऐसे अध्यक्ष को मैं सच्चे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों से चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि भिवंडी में काफ़ी जो है नंबर दो का काम होता है। जैसे कि दो साल पहले महानगर पालिका ने म्यूनसिपाल्टी ने मिलके हमारे बिल्डिंग को, उनको मालूम नहीं था कि शुक्ला की बिल्डिंग में रहते थे, हमारे जैसे बिल्डिंग को धोखाधड़ी में घोषित करके 24 घंटा के अंदर तोड़ने का नोटिस दिए और पानी सब काट दिए, बोले कि 24 घंटा के अंदर। जब उन लोग को मालूम पड़ा कि ये बिल्डिंग में शुक्ला जी रहते थे, आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और मेरी बात जब संतोष शेट्टी साहब से हुई तो तुरंत महानगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाए और पूछे कि 18 साल 19 साल 20 साल के अंदर ये कैसा नियम है। आज जो है पद्मा नगर हुआ, भिवंडी हुआ, माल सरोवर हुआ, शांति नगर हुआ, बैरी नगर, ऐसे कहीं नहीं देखने के लिए मिला। तो बोले सर गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान देता हूँ। बाद में वही हमारे जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी साहब के पास जाके लोग गलती माने, सॉरी बोले और मैंने बिल्डिंग का फिर से इंजीनियर मंगाया। लोगों का जैसा काम करने की बात देखे तो हमारी बिल्डिंग में ऐसा कोई कमी नहीं था। ऐसे आप लोगों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा भिवंडी के अंदर नंबर दो काम होता है। पत्रकार परिषद हो या महाराष्ट्र प्रशासन हो, भिवंडी के शहर के आम जनता हो, सभी का वो सुनते हैं और 24 घंटा लोगों का काम करते हैं और हमको भी ताकत मिलती है। आज मैं लगभग 22 साल से बीजेपी में जुड़ा हूँ, यहाँ से लेकर यूपी तक, यूपी में भी मैंने बीजेपी में काफ़ी लोगों को जाके इलेक्शन में मेहनत भी किया और बोला भी। बीजेपी में हमारे काफ़ी बीजेपी के लोग मंत्री भी आए हमारे निवास स्थान के और सभी लोग को बड़ी खुशी मिली और आप लोगों के माध्यम से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ कि हर आदमी के साथ में रह के, हर आदमी की छोटा हो या बड़ा हो, काम करने वाले का नाम है माननीय श्री संतोष शेट्टी साहब। दिन हो या रात हो, किसी का एडमिशन हो, किसी का फीस का मसला हो, किसी का हॉस्पिटल का मसला हो, वो हमेशा खड़े होते हैं और ताकत भी देते हैं। मेरे ऑफिस से आए और ऐसे कम से कम सैकड़ों जगह जा रहे हैं क्योंकि हमारे भी बर्थडे में उनको काफ़ी खुशी मिलती है। हम लोग एक उत्तर भारतीय हैं, हम लोग सबके साथ में खड़े होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कमाने के लिए आए हैं, हर चीज़ की जानकारी न होने पर हमको सही जानकारी देते हैं।
जिनसे क्या शुभकामनाएं देने चाहते हैं आप उत्तर भारती की तरफ? हमारे उत्तर भारती के तरफ से संतोष सेठी साहब के जन्मदिन के, जैसे हम लोग माननीय श्री सतीश पाटिल साहब जो कि आज केंद्र में मंत्री हैं, हम लोग यूपी जाते हैं, गांव में जाते हैं, दिल्ली भी गए, हम लोग को खुशी मिलती है कि हमारे जो है जोल्डी के नागरिक हैं जो कि केंद्र में मंत्री हैं, ऐसे हम भगवान बजरंग बली से आशा करना चाहता हूँ कि संतोष सेठी साहब भी मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद हमारी ज्वेलरी में काफ़ी विकास होगा और जो नंबर दो काम हो रहा है ये काफ़ी हद तक रुकेगा। आज मैं सबसे पहले शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शुक्ला जी ने खुद अपनी तरफ यहाँ पे पूरे बिजी बिजी कर दिए और शुक्ला जी सर नेता हम बहुत अच्छी पहले का ऐसा लीडर हमको मिलता है, ऐसा कार्यकर्ता जो ऐसे एरिया में पूरा माहौल बिजली बना है। और शुक्ला जी का जो काम है एकदम उत्तर भाई समाज का यहाँ पे सबका काम बहुत तरीके करते, कुछ भी काम करते वो दिल खोल करते, एकदम दिल खोल के मतलब पैसा देखते नहीं मुझे लगता है इतना करेगा। और डीजे वैक्सीन के लिए उनके लिए खाने का व्यवस्था, तो मेरे भगवान माता से ब्राह्मण है हम क्या जवाब देते हैं, यही जवाब मिलता है आपको, लेकिन आजकल हमारी टीम डायरेक्ट हो तो मैं भगवान से इतना दुआ करूँगा कि जो शुक्ला जी का दिल है, शुक्ला जी का जो काम है उसमें बहुत उनको बरकत दे, उनकी हर तकलीफ दूर हो और शुक्ला जी का कार्यकर्ता हम सब बीजेपी के नसीब वाले कि ऐसा अच्छा कार्यकर्ता मिला है दिल खोल के मन से पार्टी काम करने वाला कार्यकर्ता। आज उन्होंने वैक्सीन का जो कार्यक्रम रखा है 17 से लेके हर बच्चों को लगाने का, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।